स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और उसके वजह से उससे किसी भी आर्बिट्रेरी आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक वायर ले लिया और इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, कंसिडर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और लैम्डा इज द सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। लाइन लीनियर है ना, तो लाइन है ये, सरफेस नहीं है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर लैम्डा हमने मान लिया कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू है वो सेम है। तो हमने इससे आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट मान लिया, लेट्स ए पॉइंट पी वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वेयर डी इज एस इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है भाई। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में से एक है ये, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन जब भी हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे एक गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस होगा जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो इसके चारों ओर मतलब हर एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर एक वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, मतलब अगर ये वायर है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जनरेट होंगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी तो इसके चारों तरफ एक आर्बिट्रेरी या कह सकते हैं वर्चुअल एक सरफेस एरिया या हम एक मतलब सरफेस बना सकते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर एक सरफेस मान लिया हमने, कोई भी आर्बिट्रेरी, ठीक है, हमने तरफ वर्चुअल, ठीक है, और उस सरफेस के ऊपर हम क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे भाई टोटल सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट मान लिया इस पी पॉइंट के ऊपर, डी एस कोई एलिमेंट है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी एस एलिमेंट यहाँ पर होगा उस डी एस एलिमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। इस पॉइंट पे मिलेंगे तो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और इस पॉइंट के ऊपर इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी बाहर की तरफ जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती है वो हमने गॉस लॉ में भी बताया था कि वो सरफेस के नॉर्मल रहेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा नॉर्मल रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो ये सरफेस एलिमेंट हमने मानना है इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी और दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, जीरो डिग्री रहेगा यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं पहले इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या कहता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट विद किससे, सरफेस एरिया एलिमेंट से। तो सरफेस एरिया एलिमेंट हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो सरफेस एरिया की भी डायरेक्शन ले लेंगे। तो हमने डी एस वेक्टर को हमने अलग लिख दिया कि डी एस का मैग्नीट्यूड और एन मल्टीप्लाई है कोई एन यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या कह रहा है, इस सरफेस एलिमेंट डी एस की डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो हमने लिख दिया एन इंटू डी एस, डी एस क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है और एन वेक्टर क्या है इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। दोनों के डायरेक्शन सेम है तो थीटा हो गया जीरो, डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम कोसाइन ऑफ थीटा का यूज करते हैं और कोसाइन ऑफ जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इस दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी फाई कह सकते हैं कि इस छोटे से सरफेस एरिया जो डी एस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी ई डॉट डी एस। ठीक है, इस कंप्लीट सरफेस एरिया की फ्लक्स क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि
इस पॉइंट को अगर कैलकुलेट किया है, मान लो इसी तरह से हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा हमने माना है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी। और ds क्या है? सरफेस एलिमेंट, इसका स्मॉल सरफेस एलिमेंट। अगर इक्वल सरफेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें स्मॉल सरफेस एरिया में, तो सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी। तो हम क्या टोटल सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं करोड़ सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग बाय इंटीग्रेटिंग दिस सरफेस, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट d5 को इंटीग्रेट करेंगे तो फाइव हो जाएगा टोटल फ्लक्स और e डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो फिक्स है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। ds, ds क्या है? स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऑफ दैट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम कर्व्ड सरफेस की ही बात करें तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप होगी, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr तो इसकी सर्कमफेरेंस, और l इसकी लेंथ है। मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई वायर है, उसकी हम एक फाइनाइट लेंथ लेके चल रहे हैं, l लेंथ मान लिया। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? e डॉट 2πr इंटू l, ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया टोटल। ठीक है, और e क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो e डॉट 2πr l, ये क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द दैट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इस कंप्लीट कर्व्ड सरफेस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ओके, अब फ्लक्स की वैल्यू तो ये आ गई, अब हमें एक चाहिए क्या? चार्ज की बात करते हैं। चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा? हमने बताया था कि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा क्या कहता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बताती है? लाइन चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगी लैम्डा, लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एल हो जाएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को जब हम लेंथ ऑफ द सिलेंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या कह रही है? कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी आर्बिट्रेरी, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस, किसी भी शेप का अगर सरफेस हम बनाते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो क्या रहता है? टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो चार्ज कितना आ गया हमारे पास? लैम्डा डॉट एल, दिस इज द चार्ज। तो लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो हमने सरफेस लेके चले थे उस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा एल, और उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स रहेगा वो रहेगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो देखो चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में अगर हम फ्लक्स देखें तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया फ्लक्स, इसी सिलेंड्रिकल शेप के लिए है, पी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, है ना, और इसी के लिए फ्लक्स आ गया हमारे पास ई डॉट टू पाई आर एल, ये भी इसी के लिए फ्लक्स है। तो दोनों ही एक सेम मटेरियल के लिए, सेम चीज के लिए दोनों ही फ्लक्स इसी के हैं, तो दोनों फ्लक्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ हम इक्वेट कर देते हैं तो phi इज इक्वल टू phi, तो क्या हो जाएगा? e डॉट टू पाई आर एल इक्वल हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट e डॉट 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो l से l कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, e हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, इस p पॉइंट पे, इसकी वजह से जो हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वायर है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? ई को इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो ई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा, इधर तो लैम्डा बच गया, और डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो हो गया स्केलर फॉर्म में।
इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमने मान लो कोई भी आर, ये रेडियस की डायरेक्शन भी आउटवर्ड टू द सरफेस रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी, तो हमने इसको एक आर कैप से नोटेशन दे दिया। इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखे तो ई वेक्टर हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। आर कैप क्या है, कोई भी यूनिट वेक्टर है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये आर कैप क्या है, ये आर कैप है यूनिट वेक्टर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो स्केलर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, जिसमें हम एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर जो जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी वजह से उससे किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस के ऊपर कोई पी पॉइंट था उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट किया।